नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और हमारे साथ हैं खास मेहमान असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दिमरी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। हम जयपुर में हैं, 83वां सम्मेलन चल रहा है पीठासीन अधिकारियों का। सर, कितनी महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस, पहली बात आपसे ये जानना चाहूँगी, और दूसरा किस तरह का सबमिशन दिया असम विधानसभा ने? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में तो जो ये लोकतंत्र है, इसमें विधायिका जो प्रक्रिया है, संसदीय जो प्रक्रिया है, उसके जरिए ही सारी मतलब काम किया जाता है। तो इसीलिए संसदीय जो ये प्रक्रिया है, इसको जितना मजबूत कर सकता है, इतना हम इस देश को अच्छी तरह से संभाल सकेगा और डेवलपमेंट की ओर ले जा सकेगा। इसीलिए सारे जो पीठासीन अधिकारी हैं हमारे देशों का, क्योंकि हमारे सिस्टम ही ये है, दो, एक है राष्ट्रीय लेवल में, एक है राज्य लेवल में, तो राष्ट्रीय और राज्य सब एक साथ मिल के काम करना होगा। इसलिए इसी तरह का जो सारी भारत के मतलब अखिल भारतीय जो ये पीठासीन अधिकारी का कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही क्या है, अहम होता है। तो आज मैंने जो मेरी एक्सपीरियंस है स्पीकर बनने के बाद, ये मैं यहाँ पर इस विषय को रखा कि हम अगर संसदीय जो गणतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको अगर हम जनता की जो अपेक्षा है और हमारी देश की जो ज़रूरतें है, इस हिसाब से अगर हम शक्तिशाली करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वयं सारे विधायक या सांसदों को कैसे खुद को ही महसूस कराए कि उनका बहुत ही जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए संसद पे या विधानसभा पे जो भी वहाँ पर सरकार किसी भी विषय पर मुद्दा लेके आएंगे, वहाँ पर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अच्छी स्टडी करके वहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करना है। सरकार को वहाँ पर ही वो उनका सजेशन देने का मौका है। दूसरी बात है, अगर कोई गलत देखते हैं तो सरकार को वो दृष्टि आकर्षण कर सकता है कि जो ये करने जा रहा है भविष्य में ये अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसके जोड़िए ही हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है या विधायिनी प्रक्रिया है, उसके जोड़िए सही एक व्यवस्था हमको मिल सकता है। क्योंकि हमारी गणतंत्र प्रक्रिया में यही होता है कि राइजे सुने हुए पब्लिक लोग, जनता लोग माने सुनकर विधायक या सांसद को भेजते हैं, उनमें से एक को लीडर बनाया जाता है और वही प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बाद में अपने जिन जिन को उनका विश्वास है कि खुद को मदद कर सकता है, ऐसे को लेके वो मंत्रिसभा बनाते हैं, और मंत्रिसभा बनाने के बाद वही लोग जो भी देश के लिए परिकल्पनाएं ले जाते हैं, प्लानिंग किए जाते हैं, उसको करने के लिए वही लोग प्रस्ताव विधानसभा या संसद में दे देते हैं, और इस प्रस्ताव के ऊपर ही सारे जो संसद है या विधानसभा में सारे जो विधायक है, वही लोग इसके ऊपर चर्चा करना है कि सरकार ने जो करने जा रहा है और जिसके लिए प्रस्ताव लाया है, ये सही होगा कि गलत होगा। तो इसीलिए ये विधानसभा में पास होने के बाद ही सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को अपना इच्छा अनुसार काम करने का वो मौका मिल सकता है। मतलब तभी वो संभव हो सकता है जब पार्लियामेंट नहीं तो विधानसभा में सारे विधायक इसको पास कर देते हैं। तो इसलिए विधायकों का बहुत जिम्मेदारी होता है कि सरकार ने जो करने जाता है, इसको माने अच्छी तरह से जांच करना। तो इसका जो एनवायरनमेंट है, हम इसको कैसे ला सकता है, ये सबसे जरूरत बातें हैं। सर, लगातार चर्चा हुई कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए विधानसभा में, और कैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनका कामकाज जो है वो टेक के बेस पर आगे किया जाए। अगर मैं असम विधानसभा की बात करूँ तो किस तरह के टेक इंटरवेंशंस या किस तरह के टेक्नोलॉजी के नए नए उपयोग आपने किए हैं? ना देखिए, टेक्नोलॉजी तो सब सेम है आज के दिन में, मतलब जो इन्वेंशन किया गया है सब हर दिन के हर लाइफ में, हम कुछ ना कुछ मतलब आसानी से और ज़्यादा स्पीड में हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज विधानसभा में जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारा सारे माने प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए उन्होंने सिद्धांतों भी ली और घोषणा भी की, और इसके अनुसार विधानसभा में सारे प्रक्रिया को जितना हो सके, जो हम पेपर से करना पड़ता है, लोगों तक इसको पहुँचना पड़ता है,
से समय कंजम्पशन, मतलब लोगों को मिलना पड़ता है ताकि वो ना हो, इसलिए हम ऑनलाइन में सारे काम अभी विधानसभा में किया है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि हम लोग अभी तक इसको अच्छी तरह से मतलब व्यवहार नहीं करता है, विधायक लोग भी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो जो हम मतलब विधायनी प्रक्रिया में इसको यूज़ करना है, लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या दूसरे काम में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सरकारी जो मतलब ये क्या है आपका कम्युनिकेशन का जो जरूरी है, जो व्यवस्था है, उसको अपनाना नहीं चाहता है। तो धीरे धीरे इसके लिए थोड़ा सा मुश्किलें हो रहा है, तभी अभी मैंने धीरे धीरे लोग मैंने उसको व्यवहार करने लगा है। तो हम अगर सही ढंग से इसको अपना सकता है तो अच्छा है, क्योंकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के साथ साथ सब चीज फास्ट हो गया है। अगर फास्ट होना है तो हमको विधानसभा या संसद में भी इसको हम लोगों को व्यवहार करना है, और तभी हम समय के साथ मैंने आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम समय को लेकर भाग रहा है, सरकार हर दिन नया नया स्कीम ले रहा है, इतना योजना ले रहा है सरकार, इसको आप अगर कार्यक्षम करना है तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। बिना नई टेक्नोलॉजी पुरानी तरीके में पेपर कागज़ को लेके इसको आप कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, सभी सहमत होंगे आपकी बात से। सर 2023 में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग होपफुली अब शुरुआत होगी, वहाँ से कामकाज होना शुरू होगा। असम असेंबली में भी नई बिल्डिंग बन रही है, कितना कामकाज पहुँचा, क्या कुछ नया? नहीं, हमारा असम विधानसभा का जो बिल्डिंग है, बाकी सेक्रेटेरिएट का थोड़ा बाकी है, वो ऑलमोस्ट संपूर्ण हो गया है 99%। और हम उम्मीद रहते हैं कि बजट सेशन उधर ही बजट सत्र तो होगा और नई होने से भी उसका उद्घाटन कर सकेगा। तो बजट सेशन में नए बिल्डिंग में हम आशा रखते हैं बजट सेशन में, और बजट सेशन में हम वहाँ पर नहीं बैठने से भी हम इसको उद्घाटन कर सकता है, ऐसे हालत पे है। और ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के साथ साथ हम असम में भी विधानसभा को उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर ऑफ लेट हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, चाहे हम सरकार की बात करें या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की भी बात करें। तो किस तरह से नेवा इम्प्लीमेंट होना है या किस तरह से लेजिस्लेचर्स को उनकी फंक्शनिंग को और इफेक्टिव बनाना है, किस तरह का सहयोग मिला और आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके? हाँ, वहाँ पर सारे स्टेट तो अभी सब कोशिश जारी की हैं, निभा नहीं होने से भी अपने आप तरीका लेके किया है। और असम विधानसभा में भी हम निभा के जरिए नहीं किया, खुद का ही माने सिस्टम से ही हम लोगों ने ये सारी अभी ऑनलाइन में डिजिटल में हम लोग कर रहा है। निभा में क्या प्रॉब्लम आया था, पहले पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके साथ भी सब जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको क्या है नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उससे पहले विधानसभा में कुछ काम कर सका है और जिसके कारण निभा जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, मतलब निभा को जो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। दूसरी बात है कि आप इसको छोड़ के भी फिर से नया मैंने सेटअप वहाँ पर कर नहीं सकता है, बट निभा भी कर रहा है और बाकी अपने आप भी कर रहा है। ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में अभी डिजिटल का काम बहुत आगे बढ़ रहा है, और बेसिक मैंने क्या है मेनली जो विधानसभा है इस विधानसभा में ऑलमोस्ट सब मैंने चला रहा है। चलते चलते सर जानना चाहूँगी कि अपनी अध्यक्षता में आपने किस तरह के इनोवेशंस लाए हैं असम विधानसभा में? ना देखिए, वहाँ पर मेरा क्या है कि असम विधानसभा बहुत पुराना है, ब्रिटिश के समय से ही है असम विधानसभा। तो वहाँ जिस तरह का मतलब आगे से रिकॉर्ड वगैरह सब जो है वो मतलब क्या है सही ढंग से इसको मतलब प्रिजर्व नहीं किया गया और इसको यूज़ नहीं किया गया, इसलिए हम इसको अभी लाइब्रेरी में ताकि अवेलेबल हो और उसको ऑनलाइन में भी लोग इसको स्टडी कर सके, और अभी स्टूडेंट्स के तरफ से इंटर्नशिप मैंने भी करने का हम लोगों ने मैंने शुरू कर दिया है। अभी कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग, पॉलिटिकल साइंस हो, लॉ का स्टूडेंट्स हो, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हो, वही लोग इंटर्नशिप के लिए भी अभी असम विधानसभा के लाइब्रेरी में जाते हैं। तो इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तो फोकस है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जो हम लगातार कहते आए हैं कि लोगों तक पहुँचे। डिमरी जी, आपने हमसे बात की, ये सारी जानकारी हमसे साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृति जी। तो इस एडिशन में बस इतना ही। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।